हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आज हम जो करने वाले हैं वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें डिटेक्ट और मेजर करके देता है चार्ज ऑन ए बॉडी, कि उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है। पहली बात तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, और दूसरी बात कि उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो हम घर पे बना सकते हैं। उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है वो देखो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपने एक ये मोटी तार लेनी है ये, और इसके अंदर क्या करना है, इसके दोनों जो सिरों को आपने छील लेना है, इसके दोनों सिरों को छील के, और ये मैंने यहाँ पे मोल्ड इसको फोल्ड कर दिया है। और सिमिलरली ये दूसरी साइड जो है इसके सिरे को भी छील के और मैंने इसको मोड़ दिया है। इसके बाद हमने देखो ये लीव्स बनाए हैं, बट क्योंकि गोल्ड के लीव्स तो घर पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने ये एल्यूमिनियम फॉयल का यूज किया है, और एल्यूमिनियम फॉयल से ये दो लीव बनाए हैं, और ये इसको ये दूसरे सिरे के ऊपर अटैच कर दिए हैं। तो दो लीव्स हैं ये, 1 एंड 2, और यहाँ बीच में एक मैंने वैसे ही गत्ता लगा दिया है। और इसके अंदर मैंने कोई ये ग्लास का जार लिया है ताकि ये इसको इसके अंदर प्लेस किया जा सके। ये ग्लास के जार का यूज क्यों करते हैं, इसके लिए कोई खास पर्पज नहीं है। बेसिकली इसका कारण यही है कि जो एयर का डिस्टरबेंस है वो इसमें ना हो। तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें मूवमेंट दिखाई देगा, अगर ये जो लीव्स के अंदर कुछ भी मूवमेंट होता है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो एक्सटर्नल ये जो चीज़ है इस ये इसके साथ हम कोई भी चार्ज बॉडी को टच कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसको प्लास्टिक का या ग्लास रोड ले सकते हो, प्लास्टिक का कोई चीज़ ले सकते हो, और उसको रब करते हैं। और जैसे ही हम उसको ये देखिए यहाँ पे टच करते हैं, तो आप इस जगह पे देखिए, ये देखिए ये इसके अंदर आपको लीव्स दिखाई दे रहे हैं जो कि एल्यूमिनियम फॉयल के हैं। वैसे गोल्ड की फॉयल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज गोल्ड की जो फॉयल है, गोल्ड के जो लीव्स हैं वो पतले बनाए जा सकते हैं, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और ज़्यादा मूवमेंट शो करेंगे। ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है थोड़ी थिक है, तो इसके अंदर मूवमेंट उनके कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन फिर भी आप मूवमेंट को बड़ा आसानी से इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे इसको टच करते हैं वो देखिए लीव्स जो है वो दूर मूव करते हैं, और जैसे दूर करते हैं तो वो लीव्स ये देखिए मूवमेंट आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली ये हम एक्चुअल मेजरमेंट तो नहीं कर सकते हैं कि कितना चार्ज है, पर हम दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग जो चार्ज है उसको कंपेयर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था, वो हमें दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आए हैं और इसको टच कर रहे हैं, तो उनका देखिए जो तो लीव्स का मूवमेंट है वो कितना ज़्यादा है पहले वाले के कंपैरिजन में। तो देखिए बहुत दूर वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसे हम जो चार्जिंग है, चार्ज जो किसी बॉडी के ऊपर इंड्यूस हुआ है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस गोल्ड लीव एक्सपेरिमेंट से। अब इसके अंदर देखिए चीज़ें क्या क्या हैं, ये अरेंजमेंट जो है ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही हम कोई चार्ज बॉडी को इसके साथ टच करते हैं, इस पॉइंट के साथ, तो उसका जो चार्ज है वो यहाँ से, ये क्योंकि ये देखिए कॉपर की है तो ऑब्वियसली वो चार्ज जो है इसके अंदर मूव कर सकता है, तो चार्ज इसके थ्रू ये यहाँ तक आ जाता है, मूव करके यहाँ तक आ जाता है। और जैसे ही ये यहाँ तक आता है चार्ज मूव करके, तो ये जो दोनों जो लीव्स हैं इसके अंदर उनके ऊपर लाइक चार्ज डेवलप होता है, और उस लाइक चार्ज डेवलप होने की वजह से वो जो लीव्स हैं वो एक दूसरे से दूर मूव करते हैं, एक दूसरे से अपार्ट मूव करने लग जाते हैं। तो इस मेथड के ऊपर चार्जिंग जो है इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे चार्ज जो है ये इन लीव्स के ऊपर यहाँ पे आ जाता है, जो यहाँ से यहाँ पे हम चार्ज जो देते हैं वो चार्ज बेसिकली यहाँ से मूव करता हुआ वो यहाँ तक नीचे तक आ जाता है और इन दोनों लीव्स के अंदर आ जाता है। और ये दोनों लीव्स में आने की वजह से दोनों के ऊपर लाइक चार्ज हो जाता है, और ये लाइक चार्ज आपको पता है कि रिपेल करते हैं, उसकी वजह से ये दूर मूव करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये अपरेटस ऐसे काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो थ्री बेसिकली थ्री मेथड्स हैं जो चार्जिंग करने के। फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो आपने देखा होगा कि ग्लास रोड को, सिल्क क्लॉथ के साथ, या किसी भी चीज को आप रब करते हैं तो
रब करने पर उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसके सेवरल एग्जांपल्स हम कर चुके हैं पहले भी, ये एक और देख लीजिए, जैसे कि ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो इस तरह से रब करते हैं तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन चार्ज इंड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो अभी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर हमने देखा है कि जैसे ही हम चार्ज बॉडी को यहाँ पे टच करते हैं तो इसका चार्ज जो है वो फ्लो कर जाता है आगे, तो ऐसे टच करने से भी चार्ज जो इंड्यूस हो जाता है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप जो कि हिस्ट्री के अंदर ऐसा हो चुका है जो कि चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल एक बुक में है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे 1774 में ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे जो यहाँ पे प्रूव करी जा रही हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक तो ये है कि ह्यूमन बॉडी है दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड बाय कॉन्टैक्ट जो है वो चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया था कि एक पर्सन ने अपने को इंसुलेटेड रोप्स के साथ अपने आप को सस्पेंड कर लिया था, और फिर एक चार्ज रोड को अपनी बॉडी के साथ, अपनी स्किन के साथ, क्लोथ्स के साथ नहीं, क्योंकि क्लोथ आपको पता है इंसुलेट होते हैं, तो अपनी बॉडी के साथ उसने ये चार्ज रोड को टच किया था। और उसके बाद उसने देखा कि जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर हैं उसके हाथ से, उसके मुंह से और दोनों हाथों से वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पाया था। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट हो सकती है। और दूसरी चीज इससे ये भी पता चलती है कि जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दो तरीके से है ना, थर्ड थिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये की क्या चीज है इसको भी हम समझते हैं। तो हियर इज डायग्राम टू शो द चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसके चार स्टेप हैं, जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या लेते हैं, हम दो मेटालिक स्फीयर्स लेते हैं और उनका जो बेस है इंसुलेटिंग बेस है, मतलब कि उनका अर्थ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन वो दो मेटालिक स्फीयर वो आपस में कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के, तो और अर्थ से उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, दोनों स्फीयर को हमने टच किया हुआ है। फिर हम क्या लेते हैं कि एक सपोज करो कोई भी चार्ज बॉडी लाइक एक ग्लास रोड हम लेके आते हैं, आपको पता है ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको। तो जब उस ग्लास रोड को नजदीक लेके आते हैं किसी कंडक्टर के एक तरफ, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस स्फीयर के भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करके और इधर आ जाते हैं, और इसके इधर वाले फेस पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये जो फार्दर सरफेस है ये सेकंड स्फीयर का, इसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है और यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इस जो रोड है, ग्लास रोड है, इसको तो यहीं पे ही होल्ड रखते हैं, लेकिन जो दूसरा स्फीयर है उसको पकड़ के दूर कर देते हैं, उससे दूर कर देते हैं। तो जैसे उसको दूर करते हैं तो जो पहले चार्ज जो था, जो कि एक एंड पे था, वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है थ्रू आउट द बॉडी, और वो जो स्फीयर है, दूर वाला स्फीयर है, वो चार्ज हो जाता है बाय पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कि ये जो ग्लास रोड है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो उसको रिमूव करने की वजह से ये जो नेगेटिव एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो स्फीयर के अंदर थोरोली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने दोनों स्फीयर को अपोजिटली चार्ज कर दिया है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त आपको एक सावधानी रखनी है कि जिस टाइम आप इसको दूर लेके जाएं, इस स्फीयर को दूर लेके जाएं, तो इस ग्लास रोड को आपने यहीं पे इंटैक्ट रखना है। अगर आपने इसको दूर पहले कर दिया और फिर इस स्फीयर को दूर करेंगे तो इतना टाइम बहुत है, इसको दूर करते ही ये चार्ज अपने आप मिक्सअप हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसको फिर जब हम बाद में अगर इसको अलग करेंगे तो किसी भी स्फीयर के ऊपर कोई भी नेट चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। तो हमने इस ग्लास रोड को इसके साथ इंटैक्ट ही रखना है जब ये दूसरे स्फीयर को हम दूर लेके जा रहे हो, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। तो ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको एक तरीके से और भी किया जा सकता है, वो तरीका है ये वाला। तो इसमें क्या है, हमने दो स्फीयर नहीं लेने, इसमें एक ही स्फीयर लेना है, लेकिन उसका बेस यहाँ पे भी इंसुलेटिंग बेस है, उसका अर्थ से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तब हम कोई ग्लास रोड, यहाँ पे हम जरूरी नहीं है कि ग्लास रोड ही लें, पॉजिटिवली चार्ज रोड लें, हम नेगेटिवली चार्ज रोड भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पॉजिटिवली चार्ज रोड ली है तो पॉजिटिवली चार्ज रोड लेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर आके कलेक्ट हो जाएंगे और फार्दर सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फार्दर सरफेस को अर्थ कर देते हैं। जैसे ही हम फार्दर सरफेस को अर्थ करते हैं तो ये जो अर्थ है, आपको पता है कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो पोटेंशियल होता है, तो ये इस फार्दर सरफेस को न्यूट्रलाइज कर देगा।
अभी न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर जाएंगे और ये जो फार्दर सरफेस है उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपने ग्लास रोड को यहीं पे ही रहने देना है इसके नियर बाय, ताकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इससे बॉन्डेड ही रहे। तो उसके बाद फिर आपने ग्लास रोड को रिमूव कर देना है। जैसे आप, अच्छा, ग्लास रोड को रिमूव करने से पहले आप अर्थ को भी रिमूव कर देना, अर्थ का कॉन्टैक्ट को हटाना पड़ेगा आपको ग्लास रोड को रिमूव करने से पहले। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर ये एक्सेस नेगेटिव चार्ज भी, अगर आपने ग्लास रोड को पहले रिमूव कर दिया तो एक्सेस नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है वो भी अर्थ में चला जाएगा और ये फिर दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, अर्थ को पहले रिमूव करना है और ग्लास रोड को बाद में रिमूव करना है। तो आप देखेंगे कि इस कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार आपके पास तीन तरीके हैं जिसके द्वारा आप किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं।